हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ भाई। आज आप सोच रहे होगे कि गाड़ी वाड़ी कैसे धुल रही है आज, तो भाई आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि गाड़ी धो लेते हैं, अपनी चमचमाती लेके जाएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं भाई वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और अभी नहीं जा रहे, मतलब आज रात को निकलेंगे, तो पहले ही गाड़ी धोऊंगा ना यार। रात में तो दिखता नहीं है कुछ भी, इसके ऊपर से हर जगह से धो लेता हूँ मैं। और फिर अब हम आपसे पेट्रोल पंप पे मिलेंगे। हाँ तो लो जी, हम निकल चुके हैं। डीजल भर रहा है, फुल करा रहे हैं इसको, बिल्कुल गले तक भरवा लेंगे। अभी डीजल का रेट है भाई अपने यहाँ पे 89, मतलब 89.60 है, तो आप उस हिसाब से लगा लेना। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ही था, इसमें पहले ज़्यादा था नहीं, अब देखते हैं इसमें कितना आएगा। आएगा इसमें आराम से 4000 का तेल आएगा, बहुत प्यार से। 21 लीटर आ गया भाई, ये देखो 22 लीटर। अभी भाई ऑटो कट भी नहीं हुआ है, तो आप सोच लोगे इसमें बहुत कम था। वो तो मेरे को मालूम है इसमें कम ही था। हेलो भाई, ऑटो कट हो गया भाई, और भरो, और भरो गले तक भर दो। ऑटो कट के बाद देखो भाई अब आप कितना आता है। ये रिकमेंडेड नहीं है भाई, हम रात को जर्नी कर रहे हैं, इसलिए दिन में मत करना इस काम को गर्मी के में। अभी भाई 42 लीटर आ गया, कर दो बिल्कुल, हिला दो, हिला दो। हाँ हिला दो। हेलो भाई, हिला भी रहे अपना 3800 का 42 लीटर। ये देखो झाग आ जाते हैं, लेकिन अभी आएगा इसमें देखना। और आएगा भाई अभी तो। भाई भाई कितना पी लेती है ये ऑटो कट के बाद भी देखना। 3873 चार का कर दो भाई, पूरा हो गया। ये देख लो भाई आपके सामने है भाई, ये यूट्यूब पे दिखाना पड़ता है ना लोगों को। ये देख लो बिल्कुल गले तक आ गया, कर दो भाई बंद। अब अगर आप और भी भरोगे तो बाहर ही निकलेगा, है ना। ये देख लो भाई बिल्कुल गले तक आया है। कितने का आया है? 3900 का आया है 43 लीटर। रेंज दिखाऊं मैं आपको कितने की दिखा रही है? ये रेंज दिखा रही है 489 की, यानी कि ये बढ़ जाएगी, मतलब 600 तक चली जाएगी, चलेगी तो गाड़ी। ये लो यार, ट्रिप ए भी जीरो कर दिया मैंने और ट्रिप बी भी जीरो कर दिया मैंने। एक बार इसकी एवरेज रीसेट कर देता हूँ। इको क्लियर, यस ठीक है भाई। अब ये बिल्कुल जो दिखाएगा आपको सामने दिखाएगा आपकी, इसकी एवरेज मैंने रीसेट कर दी है। अब अपनी जर्नी को करते हैं हम शुरू। एक और को हमने पिक करना है, उनको पिक करके फिर मिलते हैं हम आपसे। यो हाईवे वाला रास्ता है, कोई अन इधर तक भी निकला है क्या? यूपी तक भी का रास्ता है। तो भाई ये हमने ले ली है केएमपी की पर्ची, अब हम केएमपी पे चढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे रख दी। अभी एवरेज की बात कर लें तो 12.2 की है भाई। अब जर्नी में हम देख लेते हैं भाई कितने लोग हैं, तो ये लाइट चलाते हैं। सेलिब्रिटी तो ये रहा। पीछे भाई शाहिद कपूर जिनको आप कहते हो, और उनके पीछे अपने गौरव चाचू। चाचू आए कर दो एक बार। और वो पीछे जो भैया वो बैठे हैं, तो हम भाई 5 जने हैं टोटल इस जर्नी में। एक बात तो है यार, मतलब जैसे ना ये इनोवा की जो लाइट है ऐसे चांदना सा कर देती है, मतलब यही हमारे पास कोई छोटी गाड़ी होती तो हम ऐसे इस पे भी 90 पे नहीं चल रहे होते इस वक्त। नहीं गलत है यार, फास्टैग जब हो अपनी गाड़ी में तो होना चाहिए यहाँ पे भी। तो भाई अभी यहाँ पे है ना आगरा का एरो आएगा, तो हमको उस तरफ जाना है। अभी नॉर्मल मोड में ही चल रहे हैं हम। मैंने जैसे आपको बताया था कि 80 से ऊपर इको नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए अभी नॉर्मल में 90 पे अपनी गाड़ी चल रही है। एवरेज की बात कर ले तो भाई 12.8 की दे रही है। एसी पूरे टाइम ऑन रहा है, पीछे का भी ऑन है आगे का भी ऑन है। तो चलो भाई अब निकल रहे हैं हम असली पप्पू जी से, अब निकलते हैं और अब चलेंगे शनिदेव जी। शनिदेव जी पे परिक्रमा लगाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी भाई ये पूरी रात चलता है और इसका है ना मतलब बिक्री भी खूब है। ये अपनी सेफ साइड लेके चल रहा है कि मैं असली हूँ, आसपास जितने पप्पू हैं वहाँ मत जाओ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं शनि धाम। ये देखो आप यहाँ के ना रोड बड़े सही बना रखे हैं यार। ये देखो मतलब यहाँ ड्रैग रेस भी बढ़िया होएगी नहीं चाचू? बढ़िया है यार। देखो 5 बजे में तो हमारी गाड़ी चल रही है 80-90-100, तो यूँ टपा टप टप जाएगी यहाँ पे। अब जैसे आज है भाई फ्राइडे नाइट, तो 11:42 हो रहे हैं, तो 12 बजे तक अभी परिक्रमा शुरू करेंगे हम, तो 12 के बाद ही तेल चढ़ेगा बाबा पे।
अभी जयपुर कितना रह गया था? अभी 82 किलोमीटर 82 रह गया था, तो अभी हम रुके हैं थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए। गाड़ी चल चुकी है भाई अपनी टोटल, गाड़ी चल चुकी है भाई अपनी 343, ये एक्चुअल का नहीं है ये। सब पूछेंगे भाई साहब कहाँ से हो आप, 98 नंबर ले रहे हो। चाचू प्यार तो आपसे है, हमारे से क्या भाई साहब, एक्टर वाला पकड़ नहीं पाता। एक बार पंजा, एक बार मेरी इको की बत्ती हटी और एक्टर वाला पीछे। जो हेक्टर वाला भाई है ना, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, नंबर नहीं दिखेगा ना आपको, हाँ नंबर नहीं दिखाना। वो जो हेक्टर वाला भाई हमारे से पूरे रास्ते रेस करता है, नहीं चाचू पूरे रास्ते रेस करता है, लेकिन इनोवा है, ये हेक्टर कहाँ दिखेगी। ये चल रही है आपका 343 और 14 की एवरेज दे रही है ये, 26 बार का टेम्परेचर दिखा रहा है। और ये इको मोड में मैंने अभी डाली है, मैं पूरे रास्ते इसको नॉर्मल मोड में लाया हूँ, क्योंकि 80 से ऊपर चल रही थी अपनी गाड़ी, 80 से ऊपर रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा रेव कर लो, आरपीएम जब डाउन आ जाए सेटल हो जाए तो अपना बंद कर दो। होटल हाईवे किंग बहुत, अगर आप जयपुर जाते हो तो आपके बोर्ड दिखते होंगे, किंग का खाना चूकना जाना, तो हम नहीं चूके हमने चाय ले लिए सुबह सुबह। टाइम बताऊं मैं आपको तो हो रहे हैं भाई 5:17, तो सुबह सुबह की 5 बजे की चाय अपनी। तो यार चाय वाय हमने पी ली थी, अभी हमने गाड़ी का एसी ऑफ कर रखा है, क्योंकि देखो 5:35 हो रहे हैं सुबह के, तो सुबह यार सारे कह रहे हैं कि एसी की जरूरत नहीं है, अपनी नेचुरल एयर लो। फिर ये है ना, अब गाड़ी 90 से ऊपर नहीं चला पा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं इको मोड में डाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये फटफड़ करता है ना वरना यार, तो इसीलिए अब ये इको मोड में चल रही है अपनी गाड़ी। 14.8 की एवरेज दे रही है, अब ये एवरेज निकाल देगी भाई। अब एसी ऑफ हो गया, पीछे का भी एसी ऑफ है, आगे का भी ऑफ है, तो अब ये एवरेज निकालेगी। मैं टारगेट है, आज तक मैंने इसमें 17 की एवरेज नहीं देखी, तो आज इसमें 17 ही निकालेंगे उदयपुर तक ना, भी टैंक टू टैंक तो करना ही है दोबारा। लिकाड़ने को तो लिकाड़ ले, गुजरात वाला फंसा गया। तो भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। अब आपको थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी बज रहे हैं 5:56, यानी कि 6 बज रहे हैं। अभी हम जयपुर से भाई 40 किलोमीटर पीछे हैं, मतलब जयपुर हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर है अभी जहाँ पे हम हैं। ये देखो थोड़े थोड़े पहाड़ अगर दिख रहे हो तो, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे यार इतने तो, यहाँ पे दुकानें वुकानें, थोड़ा शहर आ रहा है ना ये इसीलिए। लेकिन बीच में अभी बहुत पहाड़ आए थे, लेकिन वो रात का टाइम था तो ये कैमरा दिखा नहीं पाता आप लोगों को। तो अभी 6 बजने वाले हैं और जयपुर में हम रुकेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था एक भाई है हमारे, वो मिलने आएंगे हमसे, राजस्थान वाले भाई, तो उनसे मिलेंगे भाई। बाकी तो अभी एसी बंद है और पीछे का भी बंद है, और 16 की एवरेज दिखा रही है ये, 16 की एवरेज दिखा रही है, और चल चुकी है 373 किलोमीटर, जिसमें हमारा शनिदेव इंक्लूडेड है, वहाँ पे जहाँ पे डीजल भरवाया है उसके बाद। और डीजल की बात कर लें तो भाई ये रेंज दिखा रही है ये 182 की, तो ये भाई 182 की रेंज दिखा रही है, लेकिन ये चलेगी अभी 250 किलोमीटर और चलेगी। और एवरेज स्पीड हमारी रही है 62 पूरे इस जर्नी में, मतलब अभी जो शुरू हुआ है। तो ये था भाई, बाकी तो 16 की एवरेज दिखा रही है, देखेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने आप जितने की भी इसने दी है। लेकिन आप देखो ये नज़ारा, ये देखो थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखे ये देखो है ना, बढ़िया भाई साहब। बाकी आज की सुबह कुछ हमारी ऐसी थी, आज का हमारा ये प्रोग्राम है कि हम उदयपुर जाएंगे, हमारा मतलब अगर हम 2 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो हम जाते ही लौटेंगे भाई, सबसे पहले वहां पे रेस्ट लेंगे पूरा, उसके बाद उदयपुर में शाम के लिए है यार जो भी है ना घूमने के लिए, तो हम शाम को जाएंगे, उसके बाद हम शाम को घूमेंगे। अभी हमारा होटल वगैरह हमने देख लिया है वहां पे जहां पे हम रुकेंगे, तो मिलते हैं भाई रास्ते में आपसे दोबारा। बाकी ये तो नेचर इंजॉय करो आप जब तक। जयपुर जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक भाई हमसे मिलने आएंगे, तो प्रणव भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, हम दोनों स्कूल में साथ पढ़े हुए हैं, तो भाई ने स्पेशली मेरी स्टोरी देख के पता चला ना, हाँ तो भाई ने कहा भाई जरूर रुकेगा, मेरे को नहीं पता, तो सुबह सुबह आए। भाई टाइम क्या हो रहा है फोन में?
7-6 और हम मतलब आप लगा लो 15-20 मिनट से हैं यहाँ पे। तो भाई ठीक है, तू तो सारे पिलानी वाले देख रहे हैं। अब कंटिन्यू करेंगे जर्नी, अभी भाई से थोड़ी और बात कर लेते हैं फिर। भाई अभी अपनी टंकी दिखा तो ये 136 की रेंज, लेकिन हमारे चाचा कह रहे हैं कि पहले तेल ले लो, ऐसे आगे के लिए दिक्कत ना हो, तो सेफ साइड के लिए हम अपना तेल ले रहे हैं। इसे दोबारा उतना ही कराएंगे और अब देखेंगे कि इसने एवरेज क्या निकाली है। हमें रेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि इसमें आएगा कितना। जैसे राजस्थान में हम एसी हमने अपनी कार का ऑफ कर दिया, डीजल इसको बता दे, फुल कर दो फुल। और तेरी 97 है यहाँ पे डीजल। अच्छा जी भाई, ये नोला हरियाणा से और राजस्थान में तो बहुत फर्क है भाई, यहाँ तो 97 है। और पेट्रोल, पेट्रोल कितना? 108। चाड़े पाट दियो भाई सर, यहाँ पे तो मेरे को चाचू सीएनजी का रिवाज भी नहीं लग रहा। सीएनजी पंप होगा तो मतलब कटे आदमी पूरा ही कटेगा है। ओ भाई सर, जयपुर में तो होगा अंदर सिटी में, तालाल नहीं करते, झटका ही देते डायरेक्ट। अच्छा सीएनजी पंप ही नहीं है? और अरे बोलते तो ना जयपुर में सीएनजी पंप है। नहीं होगा चाचू, एलपीजी का है, दो पंप है। दो पंप हैं एलपीजी के, एलपीजी के मतलब कहने वाला ये है कि जितनी गुड़गांव आगे भर के आ जाएगी उतनी ठीक है, उसके बाद तो फिर अपना पेट्रोल भी चलाओ। अब देखो जगन का पंप तो काम चालू होने वाला है, हाँ होएगा तो सही, क्योंकि अब तो सीएनजी कामयाब हो रही है हर जगह। अभी देख लो भाई इसमें आ गए 1640। एक चीज और बताओ, 17 लीटर जम्मू जा रहे हैं तो टोल फ्री है यहाँ पे भी? तो पहले तो टोल फ्री था, अब कैसे टोल लगने लग गया? नहीं हम आए थे पहले खाटू श्याम जी तो टोल फ्री था हमारा। लो भाई 30 लीटर मतलब डिजिट थोड़ी थोड़ी अब धीरे हो रही है। लो टोकट हो गया भैया, ऊपर तक भरो, गले तक भर दो। ये देख लो भाई बिल्कुल ऊपर तक भरवाएंगे, अगर टेस्ट कर रहे हैं तो यार अच्छे से करेंगे ना। अरे नहीं चाचू गले तक भरवाएंगे, बिल्कुल गले तक भर दो भैया। अरे झाग है ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देख लो भाई बिल्कुल गले तक है, ये देखो पहले भी इतना ही था अभी भी इतना ही है। बंद कर दो अंकल, ठीक है। अब हम इसका बताते हैं आपको, अभी देख लो भाई कितना लीटर आया है, 31.51। इसकी फोटो खींच लेता हूँ, 3080 का क्रूजिंग रेंज अभी चलेगी ना गाड़ी तो बढ़ जाएगी। हमको किलोमीटर डिवाइडेड बाई लीटर अभी कितना आया है, तो अपनी गाड़ी चल चुकी है 400 कितनी है, 442 किलोमीटर, किलोमीटर डिवाइडेड बाय लीटर अभी कितना तेल आया, तो यानी 442 डिवाइडेड बाय 31.51। तो भाई ये एवरेज दी है अपनी गाड़ी ने 14.027। तो यानी भाई ये जितनी भी दिखाए ना आप इससे दो डिजिट घटा लिया करो, जैसे अभी ये 16.3 के दिखा रहा है तो दो डिजिट घटा लो, ये एवरेज दी है भाई अपनी इनोवा ने। तो अब जरा एक रिव्यू लेते हैं, जैसे अभी मेरे चाचा गाड़ी को चला रहे हैं तो चाचू 14 की एवरेज 2400 सीसी का इंजन दे रहा है आपको, जिसमें आपने एक मिनट भी एसी बंद नहीं करा, मतलब थोड़ी देर करा था, तो क्या कहना है आपका? बहुत बड़ी एवरेज दे रही है, इको मोड में भी नहीं चलाई हमने, इको में चलती तो शायद 15 तक की देर, 15-15 प्लस दे देती, तो 2400 सीसी में तो अच्छी एवरेज है आपके अकॉर्डिंग। ये देख लो भाई प्लस मतलब ये दिखाना था हमको कि ये जो मीटर दिखाया है ना इससे आप दो घटा लिया करो, चाहे किसी भी गाड़ी का हो। अभी अपनी गाड़ी का यहाँ पे 16.3 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल एवरेज जो है भाई वो अपनी 14.027 यानी कि 14 की निकली है। तो यार मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि 14 की एवरेज दे देगी, जिसमें गाड़ी भगाई भी है, मतलब इतनी नहीं भगाई, 120-125 तक गई है, लेकिन बहुत बढ़िया एवरेज है। एक और रिव्यू लेते हैं भाई हम, तो चाचू 2400 सीसी का इंजन है डीजल इंजन, 14 की एवरेज दे रहे हैं, क्या कहना यार? क्योंकि लगभग हम 100 से नीचे तो चल ही नहीं रहते, 100 स्पीड में तो हम चल ही रहते, तो एवरेज जो मेंटेन होती है वो 80 या 80 से नीचे मेंटेन होती है, तो आपकी गाड़ी 16 या 17 तक जो तू बोल रहा था जैसे पहले, तो उस टाइम पहुंच सकती थी। लेकिन अगर आप 100 पे कंटिन्यूस चल रहे हो लॉन्ग जर्नी है तो ये बहुत बढ़िया है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई पर्सनली,
मैं सच में इतना सेटिस्फाइड हूँ। मैं पूरे ये टेस्ट के लिए आपके सामने वहाँ पे मैंने करा था और अब यहाँ पे अपना राजस्थान में भरवाया। रेट से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमको सिर्फ ये देखना था किलोमीटर डिवाइडेड बाय लीटर करके देखना था। किलोमीटर अपने बता दिए थे मैंने और लीटर ये। तो नॉर्मल मोड में अगर आप इनोवा क्रिस्टा 2019 सीसी को चलाते हो 90, 100, 110, 120 तो आपकी 14 की एवरेज वो निकालेगी। इको मोड में अगर हम चलाते तो चाचू कितने की? 15 प्लस की। तो इको मोड में चलाते तो भाई 15 से ऊपर देती है, जिसमें हमने गाड़ी भाई मतलब मेरे पास थी, अब चाचू चला रहे हैं तो मैं आपको पता है आपने भी थोड़ी बहुत अगर क्लिप्स देखी होंगी अभी पहले इस वीडियो में तो 100 से ऊपर ही है सुई हर पे भी। तो 14 की एवरेज भाई बहुत बढ़िया एवरेज दी है अपनी इनोवा ने। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और ये वीडियो यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।